ही गाड़ी आज कर्नाटक आसा कर्नाटक सगले ड्राइवर आसा विचार आया कि अपनी बस आती सैनिटाइजर करता का ना का पेशंट जे पैसेंजर आसा कशा रीति बसयता हेका लगन आज विचार आसा ये कर्नाटक सगले ड्राइवर कंडक्टर आसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग गाड़ी लेकर यहाँ आते हो गाड़ी लेकर आने के बाद आप लोग सैनिटाइजर करके लाते हो पूरा सबका गाड़ी सैनिटाइजर करके लाया आप लोग आपका पूरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये भी आप लोगों ने चेक किया है हर डिपो में चेक करते हैं मिशन करके पकड़ के चेक करते हैं आप लोग रिटर्न जाते टाइम पे क्या करते हैं अभी आप लोग सैनिटाइजर करके आए उसके बाद आप रिटर्न जाते हो तो गाड़ी बाहर से धोआ ऐसा लगता है तो अभी यहाँ आने के बाद आप लोग धोता नहीं लेकिन आप लोग भी प्रिकॉशन ले लो आप लोग अपनी जवाबदारी लेगा तो लोगों की वो जो प्रवासी है उनका भी जवाबदारी बढ़ेगा आप लोग अगर कुछ नहीं करेगा आप लोग अगर अच्छे समय की बस को सैनिटाइज करना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि यहाँ से बहुत लोग हमारे मांगल में इधर भी सब लोग कर्नाटक इधर सब लोग जा रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सेफ्टी रहना चाहिए इसलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि आपके डिपो में आप लोग बोलो जब हम गोवा में आ रहे हैं यदि हमको जाते वक्त भी हमको गाड़ी सैनिटाइज करना चाहिए तो हमको क्या जो प्रेशर का ये पंप रहता है वो सब हमको दे दो आपका इसमें से मांगो आपका गवर्नमेंट से मांगो क्योंकि कर्नाटक से भी पेशेंट आ सकता है यहाँ से भी पेशेंट वहाँ जा सकता है तो आप लोगों को भी तकलीफ हो सकता है कल हम लोग को भी तकलीफ हो सकता है हम लोग इसके लिए चाहते हैं कि पब्लिक में वास्को में होने दो गोवा में किधर भी होने दो हमारा इधर पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए जब तक हम सब लोग केयर नहीं लेंगे कुछ नहीं होने वाला गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट अपना अपना हो गया उनका किस्सा भरने का जो भी हो हार्ट अटैक से भी मरा डायबिटीज से भी मरा तो बोलता है पॉजिटिव मरा कोरोना से मरा बोलते हैं लेकिन हम लोग की जवाबदारी है कि इसके ऊपर हम लोग किस नमूने से रखना है कोरोना अगर खांसी सर्दी देखो बरसात में ऐसा है खांसी सर्दी होता ही है सबको तो लोगों में को बोलना है आप लोगों को भी दिखना नहीं है दिखते हुए आना नहीं है खांसी आते तो मुंह पे ये मास्क रखना है पूरा दिन मास्क रखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नाक का सांस जो लेता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसके वजह से हम लोग को कल तकलीफ भी हो सकता है लेकिन जब अकेला रहता है तो मास्क लेना ज़रूरी नहीं लेकिन सब लोग साथ में है तो मास्क पकड़ना ज़रूरी है आपको भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना डॉक्टर को है बताना है कि भाई मास्क पकड़ो यहाँ पे दो सीट में तीन लोग बैठने को ढूंढता है तो आपको उसको बैठने नहीं देना है एक ही बैठने को बोलना है मुंह पे मास्क रखो पान खाना नहीं है थूकना नहीं है किधर थूक के भी बहुत गंदगी होता है वो भी बंद करो बोलो तुमको अभी कंपनी से मांगना है कि हमको भी सैनिटाइजर का एक यहाँ जाने के साथ वो हमें गाड़ी जब आप निकलता है हमको सैनिटाइज अंदर सीट बाहर का तो छोड़ो अंदर सीट है वो तो सैनिटाइजर करना जरूरी और लोग आते हैं उनको भी बोलो मास्क भी साफ रखना है साफ रहना है क्योंकि आप लोगों का हमारा पहले से नाता है आना जाना तो रहता ही है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पेशेंट बढ़ाए क्योंकि आपका पेट है ठीक है यही बोलने के आप लोगों का भी फैमिली है कैर ले लो और सीट का पोजीशन कैसा है यहाँ पे तीन और यहाँ पे दो है तो आप लोग तीन और दो में जाता है आप प्रिकॉशन ले लो और सभी लोगों का पैसेंजर का भी प्रिकॉशन आप ही ले सकते हैं कि नहाते हैं।